First, I'd like to make a disclosure. Huge fan of this guy. Um, you know, when Indian cricket, especially Test cricket, was very traditional, uh, conventional, and conservative, this guy came in like a breath of fresh air. He batted on his own terms, and Indian cricket will always be richer for that reason. My guest today, and I'm very excited to have Virendra Sewag with me. viru, welcome. Thank you, Sanjay. And you know this, right?

कदमों का इस्तेमाल करते थे फास्ट गेंद बाज के खिलाफ या स्पिनर पे छक्के लगाते थे तो वो देखकर मजा आता था तो मे भी मैं चाहता था कि मैं वैसा बट यू नो हर कोई टेंडल करनी नहीं, नहीं इनिशियली आपकी और उनकी बहुत कंपैरिजन होती थी श्रीलंका में जब आए आप आए यू गॉट वन ऑफ योर फास्टेस्ट ऑन दैट टाइम पीपल हमारे ब्रॉडकास्ट में स्प्लिट स्क्रीन करके दे वुड शो द दिमिलैरिटी एंड इट वॉज टॉक्ट अबाउट अ लॉट बट लेटर ऑन फ्यू ईयर्स लेटर सीम टू बी एनी सिमिलैरिटी बिकॉज योर बैटिंग अप्रोच ऑज कम्प्लीटली डिफरेंट बट जब मैं नया नया टीम में आया तो मैं टेंडुलकर ही बनना चाहता था खेलना yeah. भी वैसा चाहता था दिखना भी वैसा चाहता था तो मैंने वही हेलमेट यूज़ किया वही लेग गार्ड यूज़ कर uh, yeah. मंगवाए और मुझे लगता था कि लोग मुझे कहे कि मैं दूसरा टेंडुलकर हूँ uh, बट जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट शुरुआत की लोगों ने कहना भी शुरू किया कम्पेरिजन भी किया तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैं उनके तरह दिख सकता हूँ उनकी तरह थोड़ा खेल सकता हूँ उनकी तरह परफॉर्म नहीं कर सकता और जब आप किसी की तरह परफॉर्म नहीं कर सकते तो बेहतर है उनकी तरह बनो मत तो अपनी खुद की आइडेंटिटी ढूंढो तो तब मैंने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज किया स्टांस चेंज किया अपना सब कुछ आ, चेंज किया कि ताकि मैं अब उनके जैसा दिखूँ ना और एक नया लड़के की तरह देखूँ वीरेंद्र सहवाग जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो और लोग मेरा नाम भी उसी आदर के साथ ले जिस आदर के साथ सचिन तेंदुलकर का नाम लेते थे मुझे समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है अ गाय विद दिस अप्रोच हाउ डिड यू हैव द पेशेंस टू स्टे आफ्टर आफ्टर एंड देन दिस मेरे फादर मदर या मेरी मदर मैं खास को वो कहते थे कि बेटे लाइफ में ना कुछ ही दिन आते हैं जब आप मिट्टी को छूओगे तो सोना बन जाएगी तो वो कुछ दिन में आपको जितना सोना बनाना है आप बना लो ऐसा वो कहते थे तो मेरे लाइफ में शायद वो गिने चुने दिन थे जिस दिन मैं अच्छा खेलूंगा तो उस दिन मेरे को यह था कि अपोजिशन टीम को पे करना ही पड़ेगा तो वो एटीट्यूड के साथ मैं जाता था और जब मैं ग्राउंड में उतरता था तो एक चीज़ तो पक्की थी कि सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ वी लक्ष्मण सौरव गांगुली ये सब डेढ़ सौ दो सौ बॉल खेल के सौ रन बनाते थे अगर मैं भी उतनी बॉल खेल के सौ रन बनाऊंगा, तो शायद इनका नाम फिर भी ज़्यादा लिया जाएगा मुझसे तो मेरी आइडेंटिटी बनेगी नहीं तो मेरे पास एक ही माइंडसेट था या एक ही मेरा स्ट्रैटी थी कि अगर मैं इन से जल्दी रन बनाऊं तो शायद लोग मेरे बारे में बात करेंगे बट hmm. मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं शायद ट्रिपल सेंचुरी बनाऊंगा एक बार नहीं दो बार और तीसरी बार मिस हो जाएगी हाँ एक बार कभी आ, मैंने मजाक में वी लक्ष्मण को ज़रूर बोला था कि आपने टू एटी वन पे आउट हुए और आपने थ्री हंड्रेड मिस कर दिया अब मैं बनाऊंगा तब मैं इंडिया भी नहीं खेला था तब की बात है क्योंकि मैं इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलता था और वी लक्ष्मण खेलने आते थे तब वो उन्होंने भी हंस के कह दिया हाँ आप एक दिन बनाओगे मैंने सोचा नहीं था क्योंकि अगर मैं जो सोचता हूँ मुझे लाइफ में कभी मिला नहीं <laughs> मैं सोचता था शायद <laughs> मैं हजार करोड़ का मालिक हूंगा मैं बना नहीं <laughs> मैं सोचता था कि मैं इकलौता ऐसा प्लेयर हूँ जो तीन ट्रिपल सेंचुरी बनाएगा वर्ल्ड क्रिकेट में वो बनी नहीं <laughs> मैं सोचता था कि शायद मैं तेंडुलकर से ज्यादा रन बनाऊंगा वो वही नहीं तो चार नंबर पे खेलूंगा मैं चार नंबर पे खेलूंगा इंडिया के लिए कभी खेला नहीं तो जो मैंने सोचा वो कभी मुझे मिला नहीं है मैं अचीव नहीं कर पाया तो इसलिए मैंने वो सोचना बंद कर दिया कि यार सोच के क्या फायदा मुझे मिलना तो है नहीं तो जो है जो आज का दिन है वो खेलो सोना बनाना था वो दिन आ, था। मतलब बिल, बिल्कुल मेरी लाइफ में शायद चार दिन मैं कहूँगा ऐसे दो ट्रिपल सेंचुरी मैंने बनाई एक टू नाइन्टी थ्री मैंने बनाया एक वनडे क्रिकेट में दो सौ उन्नीस बनाई ये चार दिन ऐसे थे जिस दिन मैंने मिट्टी को छुआ और सोना हुए बट वो मैंने इतना सोना बनाया कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ दी अदर थिंग दैट पीपल टॉक अबाउट विद वीरेंद्र ट्रिपल तो एक चीज़ है Is how you went to those milestones. And you were a breath of fresh air because it was still a time when, you know, great batters, when they got close to 100, suddenly became like this. You went the opposite way. So that gave a lot of joy for people like me. But now you are saying that milestone mattered, but you were still willing to play those kind of shots. So is it sort of नहीं बट uh, जो नाइन्टीज में अगर ये सोचते हैं कि मैं माइल स्टोन बनाऊँगा वो देयर थिंकिंग जस्ट दिस स्कोर हंड्रेड बट माई थिंकिंग शाम तक रहना है और ढाई सौ रन बनाने हैं तो देन जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट की मेरे को वो एक प्रोसेस है जो क्रॉस करना है इट्स नॉट कि मुझे हंड्रेड बनाना है तो वो माइंडसेट के साथ जब मैं आता हूँ तो मेरे को पचास का या सौ का या डेढ़ सौ का वो ऐसा नहीं लगता कि प्रेशर वहाँ पर क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे को दो सौ ढाई सौ बनाना है तो फिर मैं वो उस हंड्रेड के पास क्यों रुकू अगर मारने की बॉल है और मैं हंड्रेड के पास हूँ तो मैंने ऑलरेडी तीन घंटे चार घंटे मैंने बिता दिए हैं कौन बॉलिंग कर रहा है विकेट कैसा खेल रहा है वो सब ऑलरेडी मुझे पता है एंड ऐसा नहीं था कि मैं सोचता नहीं मैं भी सोचता था बट अपने बॉलर्स को पिक करता था कि ये मेरा बॉलर है और ये मेरा बॉलर अगर एटीज़ नाइनटीज़ में आएगा

120 पे लास्ट छक्का मारा था और अब दो सौ पंचानवे हो गए हैं मिस कर रहे थे आपने मुझे इतनी देर रोक के रखा है क्योंकि आपने मुझे एग्जांपल दिया था कि पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में मैं 195 पे छक्का मारता है आउट हो लेता है और मैच हार गए थे सीरीज भी हार गए मैंने कहा अब मैं जब दो सौ पचानवे पहुंचाऊँ तो हम लोग पाँच के ऊपर हैं अब यहाँ से मैच तो नहीं हार सकते आ, तो अब मैं अगर सकलेन मुश्ताक आता तो मैं छक्का मारूंगा तो उन्होंने कहा तू पागल है तू पहला इंसान बनेगा जो ट्रिपल सेंचुरी बनाएगा मैंने कहा मैं पहला बन गया हूँ क्योंकि दो भी किसी ने नहीं बनाई <laughs> तो वो भी एक माइल है 295 नाइनटी लक्ष्मण का अगर 281 का रिकॉर्ड था वो तो टूट चुका था तो 295 पे किसी को पहुंचने के लिए मैं मुझे ऐसा लगता था तो उसमें 10 साल लगेंगे शायद और 10 साल तक तो मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा <laughs> तो मुल्तान का वो ट्रिपल हंड्रेड था शोएब अख्तर थे उस अटैक में मैं वहाँ पर कॉमेंट्री कर रहा था बहुत मज़ा आया और एक स्टोरी है जो मैंने बहुत लोगों को बताई मैंने आपसे कभी डबल चेक नहीं किया कि ये हुई या नहीं नहीं तो वो स्टोरी बोलना बंद होता था कि शोएब अख्तर बिल्कुल थक के बाउंसर मार मार के थक गए थे और आपने एक दो बॉल उनकी बाउंसर छोड़े और फिर उन्होंने कहा यार 200 पे बैटिंग कर रहे हैं अभी एक तो मार पुल मार एक हुक मार आपने सीधा जवाब दिया कि बोलिंग कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं बिल्कुल, <laughs> बिल्कुल हुआ बिल्कुल बिल्कुल वो और एक बार नहीं है काफ़ी बार और काफ़ी बोलरों के साथ हुआ इवन मोहम्मद शामी भी लाहौर में जब मैं खेल रहा था वो भी ऐसे ही कर रहे थे कि वो थोड़ा तुतला के बोलते तू तो माल माल के दिखा तू मेरे को मार के तो दिखा ऐसे बोल रहे थे मैं कहा तू बोलिंग कर रहा है कि तू भीख मांग रहा है कि मैं तुझे मारूँ तो वो मतलब बॉलर को चिढ़ाने के लिए आप गाली देना जरूरी नहीं है अब्यूज करना जरूरी नहीं है कुछ ऐसा टॉन्ट भी मार सकते हो जिससे कि बॉलर चिढ़ जाए और चिढ़ के फिर वो आपको आउट करने की ना सोचे आपको सिर्फ मारने की सोचे क्रिकेट में आपको बॉल लगती है तो आप आउट नहीं होते हो लेकिन आउट होता है जब आपके पैड पे या विकेटों पे बॉल लगे आप गलत शॉट मारो कैच आउट हो तो जब बॉलर को गुस्सा आता है तो वो कभी भी आपको पैरों पे नहीं मारता वो हमेशा आपके सर पर मारकर देखता है तो वो टाइम है आपके पास कि आप जब चाहे फिर इस्तेमाल कर सकते हो उसकी पेस का थर्ड मैन पॉइंट का वर, और स्केयर लेग या फाइन लेग पर रन बनाने के लिए तो ऐसे ऐसे टेक्टिक्स कभी कभी मैं आजमाता था कि उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दो ताकि वो गुस्सा खा जाए और फिर वो आपको आउट करने के ना देखे सिर्फ मारने के लिए एक दूसरी मज़ेदार स्टोरी बताई गई है कि आप नॉकिंग कर रहे थे शाम को आफ्टर द नेक्स्ट सेशन शोएब अख्तर वॉक ले रहे थे बाउंड्री पे और अपने ऐसे ही बॉल मारे हो उसके नज़दीक से

मतलब इंजमा मुल्क कप्तान थे मैंने बोला मैं इंजे भाई आप इधर पाँच भी खड़े कर लो जितनी तेज वो डाल रहा है वो पाँच रोक ही नहीं पाएंगे तो बोला क्यों मैंने कहा इतनी तेज़ आएगी उनके हाथ पे लगेगी तो बॉल अपने आप छूट जाएगी हाथ से <laughs> तो नो डाउट ब्रेटली शोएब अख्तर जितने तेज़ गेंदबाज जो ज्यादा होते थे डर जरूर लगता था कि वो मार देंगे लेकिन ये था मन में कहना कि यार ये मेरे चौके वाले बॉलर है क्योंकि ये इतनी तेज डालेंगे या तो फुल टॉस डाल देंगे या शॉर्ट पिच डाल देंगे तो मेरे को रन बनाने में मुश्किल नहीं होगी सो टेल मी द गाय हु मे बी वंस और ट्वाइस वी दायटी ये बहुत तेज है थोड़ा बच के रहना पड़ेगा एंड द एंडस्ट बोलर आई थिंक ऐसे एक नहीं तीन चार बॉलर होंगे जिनसे लगा कि एक उनमें ऑब्वियसली शेन बॉन्ड क्योंकि शेन बॉन्ड क्या था कि वो 145 के करीब डालते थे बट उनका जो बोलिंग एक्शन था ना सब अंदर आता था आपकी बॉडी में आता था मतलब इवन आउटसाइड ऑफ स्टम अगर उन्होंने वाइड के करीब भी बॉल डाली तो वो भी आपकी बॉडी में गेंद आती थी इतना इन स्विंग करते थे वो एक ऐसे गेंदबाज थे खासकर जब न्यूजीलैंड में 2003 में हम दो में गए थे जहाँ पर चार इनिंग वर्ल्ड चार इनिंग में मैंने 20 ही रन बनाए थे तो हर बार ये रहता था कि यार इनको कैसे झेलूंगा उनको तो झेल जाते थे आउट उनको नहीं होते थे लेकिन वो टफी जो आते थे दूसरी तरफ से उनको आउट हो जाते थे हुँ. एक वो थे शेन बॉन्ड दूसरे ब्रेटली एक थे काफी बार आउट भी गया है, लेकिन आ, रन भी काफी दिए बट उनसे कभी ऐसा डर नहीं लगा कि ये मुझे मार देंगे या मैं इनको आउट हो जाऊंगा वो कभी डर ऐसा नहीं था शोएब अख्तर का एक था डर इन द सेंस कि यार उसका भरोसा नहीं है उसको दो चौके मारे ना या तो वो बीमर हेलमेट में मारेगा या वो फिर मेरा जूता जो, जो बिल्कुल वेरी फास्ट और ये ब्रेटली एंड शोएब अख्तर सेम सेम पेस अरे व्हाई प्लेइंग यू फेल्ट हां ब्रेटली का ये था कि ब्रेटली का हाथ सीधा था तो इजी था पिक करना कि हां भाई ये बॉल आ रहा है शोएब अख्तर कहा था ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं पीछे से छुपा के ला ऐसे रहा है मत करो वो थोड़ा होगा तो नहीं अब तो अब तो वो रिटायर हो गया है और वो उसको भी पता है कि वो भट्टा मारता था ऐसा नहीं है कि वो चक नहीं करता था hmm. आ, अगर नहीं होता तो उसको शायद आईसीसी एक बार बैन भी नहीं करती उसको थैंक्स टू डालमिया जी वो कहेगा कि मेरा हाइपर एक्सटेंशन था ऐसे पीछे वो कभी हमें चलते हुए नजर नहीं आया जो मुरलीधरन के आता है लेकिन वो एक ऐसे गेंदबाज थे क्योंकि उनका जो एक्शन था ना वो ऐसे साइड आर्म था तो पता नहीं कि बॉल दिखती नहीं थी और फिर जब करके बोल आती थी कि किधर जाएगी कि ये नहीं बताता खासकर जब रिवर्स स्विंग होती थी, थी ना तब बहुत डेंजरस नाउ वीरेंद्र सहवाग इज गेटिंग स्टार बन श्योर कहीं ना कहीं वो थॉट आया होगा कि यारेट फॉरवर्डी कैप्टनसी नहीं क्योंकि मैं मुझे या था कि मुझे ये शौक नहीं था कि मैं कप्तान बनूं बट मुझे ये शौक था कि यार मेरा जो माइंड है वो इतना शार्प है कि मैं इतनी जल्दी पिक कर लेता हूँ चीज़ें कि मैं वो ज़रूर शेयर करूँ और मैं हमेशा जो भी कैप्टन होता था उनके साथ चाहे दादा थे चाहे राहुल द्रविड बने चाहे इवन अनिल कुंबले बने या इवन धोनी बने तो मेरी कभी ये एस्परेशन नहीं थी कि यार मैं इंडिया का कप्तान बनूँ मैं फॉरवर्ड यू नो मतलब इस टीम को आगे लेके जाऊँ या वो बनाऊँ बट ये ज़रूर था कि हाँ मौका मिला तो मैं ज़रूर कैप्टनसी करूँगा क्योंकि मैं राहुल द्रविड जब कप्तान बने थे उनका वाइस कैप्टन था थैंक्स टू ग्रिक चैपल की फिर वो वाइस कैप्टनशीप मुझे दोबारा <laughs> मिली नहीं है वो टाइम ऐसा था कि शायद मेरा फॉर्म भी ख़राब था और मुझे लगता था कि जब राहुल राउल शायद रिटायर होंगे एज ए कैप्टन छोड़ेंगे तो उसके बाद मुझे कैप्टनशी मिलेगी तो तब मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है एज ए कैप्टन बट कभी ये नहीं था यार मुझे कैप्टन बनना है <laughs> मुझे ये था कि मुझे खेलना है मुझे एंटरटेनमेंट देनी है लोगों को क्योंकि हमेशा से माइंड वो था कि कम गेंदों पर ज़्यादा रन बनाने हैं बजाएगी इसके कि यार मैं कुछ कैप्टन बन जाऊँ मैं कुछ करूँ और जब श्रीकांत सेलेक्टर बने चेयरमैन बने और वो सिलेक्शन पैनल आया तब उन्होंने मुझे ज़रूर एम एस धोनी का वाइस कैप्टन बनाया तब तो मैंने उनको ये भी कहा कि मैं कहा सर कि मैं आ, अब इतना सीनियर हो गया हूँ कि मुझे वाइस कैप्टनसी की ज़रूरत नहीं है आप किसी और को ग्रूम कीजिए क्योंकि मेरे ये दो शायद आठ नौ की बातें होंगी क्या अब मेरे पास उतने साल नहीं है कि मैं हाँ कि मैं उतने साल नहीं है मेरे पास कि मैं वाइस कैप्टन रहूँ और फिर मुझे कैप्टनसी मिलेगी तो मेरा कोई शौक़ भी नहीं तो मैंने उन्हें एम एस धोनी को बोला एम एस धोनी बोला ओके भाजी ठीक है मैं सेलेक्टर से बात करता हूँ उन्होंने बात की सेलेक्टरों ने मना कर दिया फिर मैंने बात की तो मुझे भी मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं इन केस अगर एम एस धोनी इंजर्ड हो जाते हैं या इनकेस एम एस धोनी नहीं खेलते हैं तो सेकंड ऑप्शन आप ही होने चाहिए क्योंकि अभी बाकी प्लेयर ना बहुत यंग हैं तो मैंने उन्हें कहा कि गाइड करने के लिए मैं हूँ क्योंकि तेंडुलकर भी थे उस समय ऐसा नहीं है कि टेंडुलकर नहीं थे तो कभी ये सोचा नहीं था कि मैंने यार मुझे कैप्टनशि मिलनी चाहिए मुझे कैप्टनशिप करनी चाहिए ये था कि मिल गई तो कर लेंगे नहीं मिली तो कोई बात नहीं हम तो खेलने आए हम खेल के चले जाएंगे सो आई लुक एट योर करियर आफ्टर इंग्लैंड फ्यू स्कोर्स कमिंग इन द बिग हंड्रेड कम देर वॉज वन आई थिंक इन इंडिया एंड अहमदाबाद आई थिंक एंड देन योर करियर करियर्स ऑफ एंडेड बट वन मेमोरी आई हैव एज योर करियर्यर ऑफ कर्टन केम डाउन ऑन योर ग्रेट टेस्ट करियर स्पेक्स वाई डिड यू फील द नीड टू वेयर दो हज़ार ग्यारह 12 में जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे तो एवरी डे आई यूज टू गेट हेडिक तो मैं कायरोप्रैक्टर के पास जाता था फिर मैं यू नो आई स्पेशलिस्ट के पास जाता था मेलबर्न सिडनी एडिलेड ब्रिस्बेन हर जगह तो मैंने फर्स्ट टेस्ट मैच में 50 बनाया था एंड देन लास्ट टेस्ट मैच में 50 बनाया क्योंकि बीच में मुझे बैटिंग करते वक्त कई बार ये हुआ कि मेरे को हेडिक के कारण ना बॉल नज़र नहीं आ रहा या हेडिक के कारण मैं लेंथ जज नहीं कर पा रहा मेरी जो शॉट सिलेक्शन है वो थोड़ी ख़राब होगी क्योंकि मुझे लगा ये शायद आगे मैं मारता था और वो आगे होती नहीं थी और मैं कॉट बैंड या कवर्स पे कैच आउट हो जाता था इवन यहाँ तक कि एडिलेड में साठ रन बनाने के बाद मैं फुल टॉस पे आउट हुआ हूँ कॉटन बॉल मुझे याद है कि 2013-14 या 2012-13 में जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई तो पहले दो टेस्ट मैच में मैंने ग्लासेस पहन के बैटिंग की हालांकि जब वो उस टाइम भी मैंने सेलेक्टर को बोला कि भाई मुझे आई साइड की प्रॉब्लम है मुझे शायद ये सीरीज़ में अगर आप ब्रेक दे दोगे तो मैं वापस जाके अपनी आई साइड थोड़ी ठीक करके वापस खेल सकता हूँ बट वो सीरीज़ इतनी बड़ी थी कि मुझे श्रीनिवास ने बोला कि नहीं वीरो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत सीनियर खिलाड़ी हो और ओपनिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए तो वहाँ भी मैंने उनके कहने पर वो दो टेस्ट मैच खेले बट मुझे ये थोड़ा भी एहसास नहीं था कि मैं शायद उन दो टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप हो जाऊँगा अगर मुझे मुझसे सिलेक्टर ये बात करते या मुझसे बोर्ड मिस्टर श्रीनिवासन ये बात करते कि भाई आप शायद अब आप हम आपको देख नहीं रहे हम नया ओपनर चाहते तो मैं उसी समय अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देता क्योंकि मुझे ये नहीं था कि मुझे कोई जबरदस्ती खिलाए कि यार इतने साल हो गए खेलते हुए चलो इसको इतने पिछले साल की परफॉर्मेंस में एक दो सीरीज और खिला दो क्योंकि मैं खुद कहता था इवन एम एस धोनी जब कप्तान बने ये किसी के बाप की टीम नहीं है या जो डिजर्व करता है वही खेलना चाहिए सिंपल इस दैट ये जो चश्मे की जो प्रॉब्लम है

एंड आज की डेट में उनका नंबर शायद माइनस टू पॉइंट समथिंग तो टाइम के साथ साथ उनका आईसाइड भी थोड़ा सा वीक होता गया है तो मुझे लगता है कुड भी वो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि मैंने वो प्रॉब्लम फेस की है कि आपको लेंथ कई बार जज नहीं होती जब आपकी आईसाइड कमज़ोर होती है तो और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद वो रेगुलर अपना चेकअप आँखों का कराते होंगे डॉक्टर के बेस्ट डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट लेते होंगे तो ये रीज़न नहीं होना चाहिए विराट कोहली के लिए बट मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉसिबल है दूसरा जो मेरा रीडिंग है एंड फील फ्री टू कॉन्ट्रोडिक्ट आई फील दैट विराट कोहली हैज़ लॉस्ट करंटली एटलीस्ट द पावर गेम मैं दो तीन साल उनको आईपीएल में देख रहा हूँ कि जब छक्के लगते हैं ना तो बाउंड्री लाइन यहाँ होती है और सिर्फ उसके ऊपर गिरते हैं वैन यू सी द पावरफुल स्ट्राइकर उनके सीधा सेकेंड स्टैंड में जाता है तो समवेयर उनको वो थोड़ी एक इनसेक्योरिटी uh, है कि बड़ा गेम अभी मेरे कंट्रोल में उतना नहीं है इसीलिए दैट आल्सो एडिंग टू देखो बड़े छक्के जब लगते हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हो क्योंकि तब आप परवाह नहीं करते कि आपको छक्का मारना तब आप सिर्फ शॉट मारते हो और वो दूर तक जाता है जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं मारूंगा ये छक्का जाएगा नहीं जाएगा तब वो छोटे छक्के जाते हैं तब आप बाउंड्री पाओ बट मुझे नहीं लगता कि वो इशू है विराट कोहली वो फिटनेस्ट है इस टीम में उनके पास पूरी पावर है आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो एरर है ना जजमेंट का कि मैं इसको मारूँ छोड़ू खेलू वो शायद जब आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो ना क्योंकि बैड पैच में यही होता है मतलब मैंने तेंडुलकर द्रविड़ गांगुली लक्ष्मण मेरा खुद का और प्लेयरों के जब वो रन नहीं बनाते ना तो मैंने उनको ड्रेसिंग रूम में ये सुना है कहते हैं यार बैटिंग में वो मज़ा नहीं आ रहा है वो बॉल जो मैं पिक करना चाह रहा हूँ वो पिक नहीं हो रही है तो ये सब बातें मैंने सुनी है उनको देखा मैंने देखा उनको घंटों घंटों प्रैक्टिस करते हुए जहाँ पर वो खुद कंफर्टेबल नहीं है नेट में कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ वो अपनी बेसिकली गलतियाँ ढूंढते हैं और मैं ये मानता हूँ कि आप, आप अपनी गलतियाँ मंग डालो आप सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ देखो आप अपने अच्छे शॉट देखो तो आपकी जो मेमोरी है ना वो वापस आती है अच्छे शॉट्स की और आप अच्छे शॉट्स जो देखते हो फिर वही शायद खेलने की कोशिश करते हो बहुत अच्छा पॉइंट किया मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मैंने हमेशा मेरे पास आज तक जितनी मैंने बैटिंग की है हर एक बैटिंग का पूरा वीडियो है एक्सेप्ट डॉट बॉल और सिंगल्स तो मेरे पास मेरी बैटिंग के डॉट बॉल और सिंगल्स नहीं है सिर्फ चौके और छक्के हैं और मैं उनको आज भी देख के बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि मैं क्लेट करता था कि जब मैं रन नहीं बनाऊँ तो मैं वो देखू ना जो उसमें मुझे मजा आए थोड़ी आगे की बात करते हैं यू नो द करंट विराट कोहली पे बात हो रही तो विराट कोहली वेन यू सी ऑल इंडिया कैप्टन फॉगेट अबाउट पतौड़ी एंड वाडिकर एंड दे यू नो ग्रेट थिंग्स फॉर इंडियन क्रिकेट वेड डू पुट विराट कोहली विद से गांगुली राहुल द्रविड धोनी अनिल कुंबले विराट कोहली मैं विराट या yeah, yeah, मैं, मैं विराट कोहली की कैप्टनसी में खेला नहीं हूं मुझे विराट कोहली की कैप्टनसी किस स्टाइल में करते हैं किस अंदाज में करते हैं सिर्फ टीवी में देख के लगता है बट अगर स्टैट्स देखे तो नो डाउट इज नंबर 1 बट मेरी नज़र में नंबर 1 कैप्टन कौन होता है जो एक टीम बिल्ड करता है जो एक खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देता है वो उनकी कैप्टनसी में उन्होंने किया है बहुत प्लेयरों के साथ नहीं भी किया है बहुत प्लेयरों के साथ क्योंकि जब वो कैप्टन बने तो उनका एक ट्रेंड था हर मैच में एक दो चेंजेस जरूर होते थे चाहे वो जीते चाहे वो ड्रॉ करें टेस्ट मैच की में स्पेशली बात तो वो उन्होंने बंद किया शायद कुछ आ, दो तीन साल बाद फिर वो कोशिश रही कि एक ही टीम खेले तो ज़्यादा बेटर है तो मैं उस नज़र से देखता हूँ कि जबकि सौरव गांगुली एज अ कैप्टन जब आए थे तो उन्होंने नई टीम बिल्ड की नए खिलाड़ी लेके आए नए खिलाड़ी को बैक किया और उनको फ्लॉप भी होने दिया और उनको सक्सेस भी दिलाई तो मेरे नज़र में वो शायद विराट कोहली ने किया नहीं किया वो थोड़ा एक डाउट है अदरवाइज स्टैट्स के वाइज विराट कोहली नंबर वन वन कैप्टन रहे हैं uh, उनका नाम हमेशा ऊपर रखा जाएगा बट इसका जवाब बेहतर कौन दे सकता है जो विराट कोहली की कैप्टनसी में खेला है सो आई सेड वेरी ओरली इन द शो दैट वीरेंद्र सहवाग वॉज लाइक दिस ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन इंडियन क्रिकेट सो यू आर लाइक अ बैटर ऑफ द फ्यूचर ड्यूरिंग योर टाइम ऋषभ पंत फॉर मी एंड नदर गाय अगेन लाइक यू नॉट मेकिंग एज मच ऑफ एन इम्पैक्ट इन वाइट बॉल क्रिकेट बट टेस्ट में गजअप की बैटिंग कर रहे हैं ही इज लाइक द बैटर ऑफ द फ्यूचर फॉर दिस जनरेशन एंड आई सीट ऑफ कनेक्शन विद यू योर व्यू ऑन ऋषभ पंत की क्या चीज़ है एंड वे विल एंड अपट द एंड ऑफ इज करियर मैं ऋषभ पंत को रिलेट अपने आप से कर सकता हूँ क्योंकि जितनी सक्सेस उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पाई है उतनी शायद वनडे और टी ट्वेंटी में नहीं मिली मेरे साथ भी हुई था क्योंकि हम लोगों का जो माइंड सेट है वाइट बॉल के लिए वो ये नहीं है कि मुझे पचास रन बनाने सौ रन बनाने हम लोगों का माइंड सेट ये है कि मैं दस बॉल खेलूँ तो बीस रन बना के जाऊँ सिचुएशन क्या है फ़र्क नहीं पड़ता अपोजिशन क्या है फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उस मोड में हर बार नहीं खेल सकते ये मैंने रियलाइज़ किया लेटर ऑन अपने कैरियर में क्योंकि मेरे साथ क्या फ़ायदा था मुझे कि मेरे साथ ना वो महान दिग्गज खिलाड़ी आने वाले थे बैटिंग में तो मैं अफोर्ड कर सकता था ओपनिंग अगर ऋषभ पंत ओपनिंग में आते हैं ना तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे ज़्यादा उनको आ, वो दस बॉल में बीस रन बनाने के मौके मिलेंगे बजाय कि वो मिडल ऑर्डर में नंबर चार पाँच पे नंबर चार पाँच की पोजीशन ऐसी है जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी खेलना पड़ता है बट उनकी बैटिंग में एक जो ख़राब चीज़ है जो मुझे बहुत इरीटेट करती है प्रॉब्लम है जिससे उल्टे सीधे जो शॉट मारते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं अगर वो ये सोच लें कि उनके शॉर्ट सिलेक्शन मेरी ये चार हैं मैं ये चार के साथ वनडे क्रिकेट खेलूंगा तो भी उनको उतनी ही सक्सेस मिलनी है जितनी अभी मिल रही है मुझे नहीं लगता क्योंकि जिस नंबर पर वो बल्लेबाजी करना था उस नंबर पर जब वो बल्लेबाजी करना था अगर कर वो सौ डेढ़ सौ दो सौ रन बनाएंगे तब तक डिक्लेयर की सिचुएशन आ जाएगी तो मेरे ख्याल से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उनको ऊपर करने बैटिंग करने का मौका मिलेगा वाइट बॉल में अगर वो ओपनिंग करते हैं और टेस्ट क्रिकेट में वो नंबर चार खेलते हैं संगाकारा ने बहुत बारी खेला है और उन्होंने बनाए भी हैं दो सौ तीन सौ रन तो वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर ऋषभ पंत इम्पैक्ट डाल सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी वन क्वेश्चन दैट 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 आई ऑलवेज आस्क यू 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 नो गेस्ट इज एनी प्लेयर सी इन इंडियन क्रिकेट नाउ नॉट स्टार्स थिंक प्लेयर ऑफ़ द फ्यूचर आई थिंक पृथ्वी शाह मुझे ऐसा लगता है पृथ्वी शाह उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत की थी हंड्रेड बनाया वेस्ट इंडीज के खिलाफ फिर शायद फिफ्टी एक और बनाया नेक्स्ट मैच में एंड देन ऑस्ट्रेलिया पर वो प्रैक्टिस मैच में इंजर्ड हो गए एंड देन उसके बाद से शायद आ, उनका टाइम खराब हो गया या उनका फॉर्म खराब हो गया या वो टीम से बाहर हो गए बट वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट में एक्साइटमेंट वापस ला सकते वो ऋषभ पंत अगर ये दोनों एक ही टीम में हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे टाइम में सहवाग एंड धोनी एक ही टीम में थे और दोनों एक ही स्टाइल में खेले एक ऊपर और एक नीचे तो आप टेस्ट क्रिकेट में एक्साइटमेंट ला सकते हो टेस्ट क्रिकेट में रू, रूल कर सकते हो टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जीत सकते हो अगर ये दोनों खिलाड़ी एक टीम का हिस्सा हो क्योंकि फिर आपका वो कभी दूसरी टीम को ये सोचना पड़ेगा क्या चार रन लास्ट डे पर इनको दें क्योंकि अगर ये दोनों चल गए तो शायद हम लोग टेस्ट मैच हार सकते हैं लास्ट डे में भी जो ऋषभ पंत ने ब्रिस्बेन में करके दिखाया इज इज बिकॉज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन पृथ्वी शॉ एंड योर टेक्निक सेड ऑन एयर टेक्निक बहुत सिमिलर है आई इज मुझे इधर sort of खेलता है पॉइंट की तरफ ज्यादातर देखिए सबका नजरिया अलग अलग है देखने का खिलाड़ी को मुझे टेक्निक में इतना विश्वास नहीं है मुझे ये कि वो रन किस अंदाज में बनाता है रन कैसे बनाता है किसके अगेंस्ट बनाता है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आपकी बहुत बढ़िया टेक्निक है, है जैसे आकाश चोपड़ा की थी लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट कितने खेले और मैंने हमेशा कहता था कि जब तक आप हंड्रेड नहीं बनाओगे बड़ा हंड्रेड नहीं बनाओगे आपको ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे बट पृथ्वी शॉ में वो है उन्होंने डोमेस्टिक में एक सीजन में डबल हंड्रेड वन वो फिफ्टी वन एट्टी वन नाइनटी वन डे क्रिकेट में ही बनाया और टेस्ट डेज क्रिकेट में तो पृथ्वी शॉ में वो है कि वो बड़े स्कोर बना सकते हैं टेक्निक जो मर्जी हो अगर मैंने तीन मैच में रन नहीं बनाए हैं और मैंने सात हज़ार रन बनाने के बाद मुझे ड्रॉप किया गया है तो किसी ने चौदह बनाए हो पंद्रह बनाए हो अठारह हज़ार रन बनाए हो उनको भी सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए लेकिन मुझे ही क्यों ड्रॉप किया गया तो वो सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला वो मैं बहुत हर्ट हुआ कि मुझे पचास रन का मेरा एवरेज छोड़ो कि जो कैप्टन और कोच या जो मैनेजमेंट मुझे एक सीरीज़ पर लिए कह रहे हैं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हूँ मैच विनर हूँ उनके लिए सडनली वो सीरीज़ खराब होने के बाद मैं कैसे आ, कोई प्लेयर ही नहीं मतलब उनकी नज़र में मैं शायद प्लेयर ही नहीं रहा अगर वो ग्यारह टेस्ट मैच मैंने खेले होते तो शायद आज मेरे पिचासी टेस्ट रन की बजाय दस हजार टेस्ट रन मुझे याद है अनिल कुंबले में 2007 में जब मैं ड्रॉप था और जो ये ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए प्रॉबल्स अनाउंस हुए उन्होंने मुझे कॉल किया कि वीरू मैं सिलेक्टर से बात कर रहा हूँ कि मुझे वीरेंद्र सहवाग चाहिए ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए प्लेयर को क्या चाहिए एक कप्तान का कॉन्फिडेंस जो मुझे मेरे शुरुआती दिनों में सौरव गांगुली ने दिया और मेरे आखिरी दिनों में अनिल कुंबले ने दिया अनिल भाई अगर वहाँ नहीं होते कैप्टन तो वो टोर आगे नहीं जाता और शायद हरभजन सिंह का करियर वहाँ ख़त्म हो जाता क्योंकि उन्होंने जो स्टैंड लिया हरभजन सिंह के लिए शायद दूसरा कैप्टन ना देता टेस्ट क्रिकेट वो दुकान है जहाँ पर लोगों को आना ही पड़ता है क्योंकि ये सामान ऑनलाइन नहीं मिलता क्यों विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट पर इतना जोर देते हैं इतने सेट क्योंकि उन्हें भी मालूम है अगर मैं 100, डेढ़ सौ दो सौ टेस्ट मैचेज़ खेल के जाऊंगा तो शायद हिस्ट्री में मेरा नाम हमेशा लिखा रहे।